कि आने वाली 6 माही में अडानी ग्रुप का शेयर अडानी एंटरप्राइजेस निफ्टी में श्री सीमेंट की जगह ले सकता है। ICICI सिक्योरिटीज के 10 अगस्त को जारी एक नोट के मुताबिक इस बदलाव के चलते 2400 करोड़ रुपए शेयरों की खरीद फरोख्त देखने को मिल सकती है। ICICI सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट विनोद कार्की का कहना है कि इस बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है। इस फेरबदल के बाद श्री सीमेंट में 630 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिल सकती है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज में ETF फंड मैनेजरों की तरफ से 160 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिल सकती है। निफ्टी में होने वाले इस बदलाव का ऐलान अगस्त महीने के आखिरी में किया जाएगा और ये बदलाव 30 सितंबर से लागू होगा। इस बदलाव के लिए फरवरी से जुलाई 2020 की अवधि के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को आधार बनाया जाएगा। बता दें कि मार्च 2022 में हुए पिछले बदलाव में अपोलो हॉस्पिटल ने निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडियन ऑयल की जगह ली थी और इंडियन ऑयल निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो गया था। निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनके तहत निफ्टी में शामिल होने वाली कंपनी को निफ्टी 100 इंडेक्स का हिस्सा होना चाहिए। फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में भी स्टॉक की ट्रेडिंग होनी चाहिए और कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे छोटे घटक का 1.5 गुना होना चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस शेयर की आज के चाल पर नजर डालें तो 1:35 के आसपास NSE पर यह शेयर 14.05 रुपए यानी 0.50% की बढ़त के साथ 2805.90 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा था। स्टॉक का दिन का हाई 2817 रुपए है जबकि दिन का लो 2781.55 रुपए का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2817 रुपए है जबकि 52 वीक लो 1361.55 रुपए है। कंपनी का वर्तमान वॉल्यूम 861614 शेयरों का है। कंपनी का मार्केट कैप 331321 करोड़ रुपए है। मार्केट की इनसाइट स्टोरीज के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।